मुल्क भर में कोरोना मुंहजोर हो गया है। एक दिन में रिकॉर्ड 4,960 अफराद मुतासर हो गए हैं, जिसके बाद मरीजों की तादाद 98,943 हो गई है। 24 घंटों में मजीद 67 अफराद जिंदगी की जंग हार गए। मरने वालों की तादाद 2,002 हो गई है। पाकिस्तान में न सिर्फ कोरोना केसेस की तादाद में बल्कि इससे अमवात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। मौजी वबा से जहां बक अफराद की कुल तादाद 2,002 हो गई है, जबकि केसेस की मजमू तादाद अब 98,943 हो चुकी है। पंजाब में वायरस के मरीजों की तादाद एक बार फिर दूसरे सूबों से ज्यादा है और वो 37,090 हो गई है, जबकि इस हलाकते भी दूसरे सूबों से ज्यादा यानी 683 हो गई हैं। सिंध में अब तक वायरस के 36,364 मरीज सामने आए हैं, जबकि 634 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। खबर पख्तूनख्वा में वायरस के मरीजों की तादाद अब 13,001 हो चुकी है, जबकि अमवात 561 हो गई हैं। वायरस के बलूचिस्तान में 6,221 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ 54 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में 4,979 कोरोना वायरस के मुतासर मरीज हैं, जबकि 49 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित में 927 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 13 अफराद जांबाक हुए हैं। आजाद कश्मीर में वायरस के अब तक 361 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 8 मरीज जांबाक हो चुके हैं। 24 घंटों में रिकॉर्ड 23,100 अफराद के टेस्ट हुए हैं, जिसके बाद टेस्टों की मजमू तादाद 6,83,608 हो गई है। कोरोना वायरस के मुल्क में 63,476 मरीज अब भी अस्पतालों, करंटीना मराकज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जबकि 33,465 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब भी हो चुके हैं।